तेजल बैल और सुशीला बैन बन गई हैं कठपुतली। मजुमदार परिवार की गुजराती बहुओं ने आज अपना लिया है राजस्थानी अंदाज। जरा देखिए तेजल को, बन गई है राजस्थानी बेंदनी। और इनकी जेठानी सुशीला बैन को देखिए, वो भी आज किसी राजस्थानी बेंदनी से कम नहीं लग रही। लगता है एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम पर चढ़ा है बालिका वधू का कुमार। और ये हमने डांस सिखा रही थी आज, तो हमने जो भी आज डांस परफॉर्म किया वो इसी थैंक यू। घर में सजी है कठपुतली की महफिल और कठपुतलियों के साथ दोनों बहुएं पेश कर रही हैं सास और बहू की अनोखी कहानी। कठपुतली बनकर बीमार हुई सासू माँ को चेयर अप करने की पूरी कोशिश चल रही है। वैसे तेजल और सुशीला का ये कठपुतली अंदाज बड़ा ही अनोखा था, और जब सास बहू और बेटिया ने उन्हें सुनाया पहली फिल्म का ये गाना, तो दोनों लगी झूमने और सुना डाले अपने कठपुतली बनने के पूरे किस्से। पपेट हम लोग आज पपेट बने हैं, पर हमें पहली बार किसी और के धुन में नाचने में ज्यादा मजा आ रहा है। एक्चुअली हम लोग ये जस्ट गोइंग बाय द फ्लो। हर रात कहानी चलती है, कभी आवाज सुनाती है। हमारे दोनों के एक एक गाल पे तिल है, हम दोनों के फ्लिक्स हैं और हम दोनों काजल लगाते हैं। और अभी फिलहाल कपड़े भी एंगल में है। वैसे बहुओं का ही कठपुतली अंदाज देखकर सासू माँ को ऐसा जोर का झटका लगा कि अचानक वो व्हील चेयर से उठ गई, और ये देखकर पूरा परिवार रह गया हक्का बक्का। लेकिन बहुओं की कोशिश काम लाई, क्योंकि सासू माँ ठीक ठाक होकर परिवार के साथ फिर से एक हो गई। उम्मीद करते हैं कि हर घर में ऐसी ही बहुएं हो, क्योंकि अगर ऐसी बहुएं होंगी तो कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होगी। शायद कठपुतलियों के बहाने एक दूसरे से प्यार हमने ये बहुएं यही संदेशा देना चाहती हैं। अब त्यागी मुंबई आज तक।